आइए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फिगर 10.11 में अगर टीपी टीक्यू सेंटर ओ वाले किसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स लाइन इस तरह हैं कि एंगल पी ओ क्यू 110 है तो एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ओ से पॉइंट टी को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन ओ टी इन ट्राइंगल ओ क्यू टी एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल ओ क्यू टी में एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है फ्रॉम थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 से हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू यानी कि एंगल ओ क्यू टी 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल ओ पी टी एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी थ्योरम 10.1 से। एंगल ओ क्यू टी और एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होंगे क्योंकि थ्योरम 10.1 में उन्हें पढ़ा था कि किसी भी सर्कल की टेंजेंट लाइन पे उस सर्कल के रेडियस परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू हम अपनी फिगर में देख सकते हैं कि ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है, यहां भी चारों एंगल्स का सम 360 होगा। एंगल ओ पी टी 90 डिग्री है प्लस एंगल ओ क्यू टी भी 90 डिग्री है प्लस एंगल पी ओ क्यू 110 है प्लस एंगल पी टी क्यू जो कि मैं फाइंड करना है इज इक्वल टू 360। दैट इज 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हेंस करेक्ट चॉइस इज बी।